देखिए दोस्तों, मैं ये बना चुकी हूँ क्यारी। क्यारी पूरा तैयार कर चुकी हूँ। अब उसमें छोटा छोटा छेद कर लीजिए। ये रहा, छोटा छोटा छेद कर लीजिए। छोटा छोटा छेद करने के बाद ये रहा बीज। ये देखिए, ये पालक का बीज है। और इसे सब छेद में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। जितना छेद किए हैं सब में, ये छेद में चार चार पांच पांच दाना डालते जाइए। इस तरह नए डिजाइन से दीजिएगा, गुच्छा खुद ब खुद एक जगह जमा रहेगा। और इसके बाद इसको हार्वेस्टिंग करने के समय आसानी रहेगा। ये रहा, फिर इस सबको मिला दीजिए। ये सबको हाथ से मिला दीजिए ताकि मुर्गी चिड़िया चुड़मुड़ी से नहीं खाए।